हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ। इस बार मैं जो आपका सब्जेक्ट लेके आया हूँ वह आरसीसी का जो एसएससी का पेपर हुआ था, ये 2004 से लेके 2016 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरसीसी के, तो जिन बच्चों के पेपर आए हैं अभी हाल ही में उनके लिए मैं ये एक सीरीज लेके आया हूँ, जिससे कि आरसीसी का ज़्यादा से ज़्यादा मैं चैप्टर कवर कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है मेरा आरसीसी का, फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी बीम एंड स्लैब। इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ आरसीसी बीम और स्लैब के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं 2004 से लेके 2014 तक, वो सब क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। और ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की वनडे एग्ज़ाम, चाहे किसी भी स्टेट के, सेंट्रल के, एसएससी के, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाई इज IS 456 1978। तो जो आइडियलाइज जो शेप है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है, वो IS 456 1978 में क्या लिया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिया है, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। ये देखिए, सी ऑप्शन सही है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड द स्ट्रेन इन द कंक्रीट मे बी अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर, टेपराइज, पैराबोला और एनी अदर शेप विच रिजल्ट इन प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रेन इन सब्सटेंशियल एग्रीमेंट विद द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। तो आप ये देखिए, टेस्ट किया जाता है, इसमें जो आप शेप देख रहे हैं वो क्या है आपका, पैराबोलिक और क्या है, रेक्टेंगुलर। तो अगर आगे इस पे भी और भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि इसमें कितना स्ट्रेन ली जाती है, कंप्रेशन में, कितनी टेंशन में। तो इसमें अभी कई क्वेश्चन यहाँ डेवलप होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज। तो जो लिमिट स्टेट डिजाइन करते हैं उसमें लिमिटिंग वैल्यू जो लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस में डेप्थ की, वो कितनी लेते हैं हम, 0.53 D। तो ये देखिए ऑप्शन डी यहाँ सही है और रेफरेंस जो है IS 456 2000 पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है। इसको आप देखिएगा, इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज 0.53 D। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट एस्पेक्ट रेशियो, मॉडुलर रेशियो, स्पान बाई डेप्थ रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। तो आप लोग इसका आंसर भी देते रहिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पान बाई डेप्थ रेशियो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाई यूजिंग द एप्रोप्रिएट स्पान बाई डेप्थ। तो यानी स्पान बाई डेप्थ जो रेशियो होता है उससे हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लिमिट स्टेट डिजाइन जो होती है, ये आपकी एक लिमिट होती है, एक वर्किंग होती है। तो जो लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट होती है स्ट्रक्चर में, द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी। तो हम लोग क्या लेते हैं, लाइनर लेते हैं, नॉन लाइनर देते हैं, पैराबोलिक लेते हैं कि रेक्टेंगुलर पैराबोलिक लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट स्टेट की बात हो रही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो क्या लिया जाएगा, स्ट्रेन कर्व
कैसा लिया जाएगा, वो आपका लाइनर लिया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड टू बी लाइनर, इट मीन्स प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। तो इसलिए ये आपने इसको पढ़ा भी होगा कि अगर इसमें एजम्पशन लिया जाता है, चाहे आपका वर्किंग स्ट्रेस है और चाहे आपका लिमिट स्टेट डिजाइन, दोनों में ही कि अगर सेक्शन को प्लेन माना जाता है क्या बेंडिंग के पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। देखिए लिखा हुआ इट मीन्स प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग और रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन फॉर द कैलकुलेटिंग द स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, शॉर्टर स्पान शुड बी कंसीडर, लॉन्गर स्पान शुड बी कंसीडर, ओवर वैल्यू ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पान शुड बी कंसीडर, और नेक्स्ट क्या है, बोथ द स्पान शुड बी कंसीडर इन दियर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। तो जैसा आपको पता है कि जब हम लोग स्लैब की डिजाइन करते हैं तो उसमें हम कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, शॉर्टर स्पान शुड बी, तो शॉर्टर स्पान जो होती है उसको कंसीडर किया जाता है। शॉर्टर जो स्पान होता है इसी में आपकी मेन बार प्रोवाइड की जाती है जब स्टील को डाला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन फॉर द कैलकुलेटिंग द स्पान द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शॉर्टर स्पान शुड बी कंसीडर, और इसके बारे में जो रेफरेंस दिया है वो डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बाई एस रामामूर्तियन पेज नंबर 359। इसको आप वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रेजिस्टेंस और सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये आपका 2004 में, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2004 में आए हैं, और ERCC का जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ RCC बीम एंड स्लैब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो इसको देखिएगा, जितनी भी परीक्षा होंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रेजिस्टेंस फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम टू इंश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट इंश्योर करने के लिए कितने से अधिक ना हो। तो आप यहाँ देखेंगे कि दिया है 60B² और 250B² / D विच एवर इज मोर, 60B और 250D² / B विच एवर इज लेस, 60B और 250B² / D विच एवर इज मोर, और 60B और 250B² / D विच एवर इज लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 60B और 250D² / B विच ईवर इज लेस। अब इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आप, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रेजिस्टेंस फॉर द सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम इंश्योर द लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 60B और चाहे ये हो और चाहे 250, आपका कितना होना चाहिए, 250B² / D, ठीक है ना। तो B² / D विच ईवर इज लेस, इन दोनों में से जो लेस हो, तो ये आपको यहाँ पर लेना है 60B और 250B² / D विच ईवर इज लेस। तो इस चीज को लेना है, वेयर इज बी इज विथ एंड डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, इन डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। अब यहाँ की बात क्या कर रहा है आपको ये देखिए, यहाँ ये कह रहा है डबली रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट, तो जो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड करते हैं वो आपका कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, वो आपका 4%। अब देखिए आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन बता रहा है ये बीम की बात कर रहा है, और बीम में जो है जो मैक्सिमम है वो 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही, इसके लिए थोड़ा देख लीजिए आप, द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन डबली रेनफोर्समेंट बीम आर द सेम एज दोज इन द सिंगली रेनफोर्समेंट बीम,
द मिनिमम कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट कैन ऑफ कोर्स बी जीरो इन दैट द केस इट विल सिंगली रेनफोर्समेंट मीन द मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्स कांट बी एक्सीड 4 फुट और द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम। तो ये चीज आपको जानना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसीडर एज ए डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू बी ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। अगर कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम इस को कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डीप बीम, इफ उसका रेशियो कितना होना चाहिए, यानी इसका इफेक्टिव स्पान और टू ओवरऑल डेप्थ का रेशियो किससे कम होना चाहिए, इज लेस देन। एक एक हो गया, अब आप देखिए यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। तो आपको ये देखिए, इन ए जर्नल ए बीम सेल बी डिमांड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल, यानी आई बाई डी इज लेस देन कितना, 2 जो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए रहेगा और 2.5 जो रहेगा आपका कंटिन्यूसली। दोनों चीज जानते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाएगा, तो यहाँ पर तो ये इसके लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट द लोड विच हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 90%, 95%, 90%, तो कितना होगा, 95%। देखिए यहाँ पर थोड़ा बता दें कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में। द टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड इज मीन दैट द वैल्यू ऑफ द लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 5 ही% जो है आपका फेल हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। अब यहाँ कह रहा है कि रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर, यानी पूरी जो है वो पानी में, किसमें, समुद्र के पानी डूबी है, तो जो उसमें एडिशनल कवर दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, रिकमेंड करता है आपका कोड, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 40 mm। आइए आपको कैसे होगा ये बता दें। देखिए, फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर ऑफ मरीन स्ट्रक्चर टोटली इमर्स इन ए सी वाटर द एडिशनल कवर की बात करेगा तो हम लोग 40 mm लेंगे, बट अगर टोटल कवर की बात कर देगा तो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 75 mm से। एडिशनल के लिए 40 और टोटल कवर के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में एडिशनल कवर पूछा है तो 40 mm होगा, अगर टोटल कवर पूछ रहे तो 75 mm से अधिक नहीं होगा। ये जो है अगर आपको रेफरेंस देना है तो SP 34 SNT 1987 पेज नंबर 29 4.1.2, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट पार्शली सेफ्टी फैक्टर द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी द ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी दी अब। तो कह रहा है इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस द मेथड ऑफ डिजाइन जो यूज करते हैं डिजाइन के लिए, द डिजाइन लोड जो लिया जाता है वो क्या लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विथ एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। तो आइए बता दें, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इसमें। अब देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, द स्ट्रेसेस इन ए एलिमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वर्किंग लोड एंड कंपेयर्ड विथ परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक। दूसरा बता रहा है द मेथड ऑफ फॉलोज लाइनर स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर फॉर बोथ दी मटेरियल, ठीक है। तीसरा है मॉडुलर रेशियो कैन बी यूज डिटरमाइन अलाउबल स्ट्रेस,
मटेरियल कैपेबिलिटीज आर अंडर एस्टिमेटेड टू लार्ज एक्सटेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर यूज इन वर्किंग स्ट्रेस मैथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मैथड में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, जिससे कि जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को, तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 20 न्यूटन पे अगर वो डिज़ाइन की गई है, तो अगर उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको कर देंगे तो वो वास्तव में वो 20 न्यूटन पे फेल नहीं होगी, उससे अधिक भी, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया गया है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ कंसीडर एज वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कांट बी प्रेडिकेटेड एक्यूरेटली। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट द रिजल्ट इन अन इकोनॉमिकल सेक्शन। जो इसमें ड्रॉबैक है वो है कि वो अन इकोनॉमिकल होता है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है इस मेथड का। और लिमिट स्टेट मेथड में आप देखिए क्या है, द स्ट्रेस आर ऑब्टेन फ्रॉम डिजाइन लोड्स एंड कंपेयर विद डिजाइन स्ट्रेंथ। यानी जो इसमें स्ट्रेसेस होता आर ऑब्टेन फ्रॉम डिजाइन लोड एंड कंपेयर्ड विद द डिजाइन स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के लिए इसमें डिजाइन किया था। इन दिस मेथड दी फॉलोज लाइनर स्ट्रेंथ रिलेशन बट नॉट लाइनर स्ट्रेस रिलेशन, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड ऑफ द डिजाइन। द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इटसेल्फ आर यूज द अलाउबल स्ट्रेस। द मटेरियल कैपेबिलिटीज आर नॉट अंडर एस्टिमेटेड एज मच एज दे आर इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पार्सली सेफ्टी फैक्टर आर यूज इन द लिमिट। अब उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में पार्सली सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, जैसे मान लीजिए पार्सली का, जैसे कंक्रीट के लिए लिया जाएगा तो 1.5 लिया जाएगा और स्टील के लिए 1.15। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो कंक्रीट के लिए 3 लेंगे और स्टील की बात करेंगे तो 1.78 लेंगे वर्किंग में। तो ये चीज़ है इसमें, ये पार्सली की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन 2007 में आया है। श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब काज सीयर क्रैक्स, काज टेंशन क्रैक्स, काज कंप्रेशन क्रैक, डोंट काज एनी क्रैकिंग। तो जो कंक्रीट स्लैब पे आप देखेंगे जो उसमें श्रिंकेज आ जाता है, संकुचन आ जाता है, उसके कारण जो उसमें आप देखेंगे तो दरारें पड़ जाती हैं, वो किसके कारण आता है? टेंशन क्रैक के कारण आता है। तो आप इसके बारे में वो आपको बता दें, ऑप्शन बी इज राइट। टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ क्रैकिंग इट इज ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस डैट द कंक्रीट बी प्रॉपरली क्योर्ड। अगर आपको, अगर इससे बचना है, रिड्यूस करना है क्रैकिंग को, तो आपको कंक्रीट को प्रॉपर क्यूरिंग करनी पड़ेगी। डैट द कंक्रीट बी प्रॉपरली क्योर्ड, कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ अंडर एडिक्वेट मॉइस्चर टेम्परेचर एंड टाइम कंडीशन। ये इसमें डिपेंड करेगा। मेंटेनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंक्रीट ऑफ क्यूरिंग हैज द एडेड बेनिफिट ऑफ द एक्सटेंडिंग द लिमिट टाइम विच ड्राइंग श्रिंकेज टेक प्लेस। अगर कंक्रीट जब सूखती है तो वो श्रिंक करती है, मतलब तो अगर अगर आप उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो उसमें श्रिंकेज कम से कम होगा, जिससे उसमें टेंशन के कारण जो क्रैकिंग आती है वो नहीं आएगी। इफ द कंक्रीट इज अलाउड टू बी ड्राई इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर इट हैज बीन कास्ट, इट श्रिंक प्रोड्यूसिंग टेंसाइल स्टेट डेट कैन काज ऑफ क्रैकिंग। अगर वो कुछ दिन आपने कंक्रीट की और उसमें अगर वो ड्राई रह गई सरफेस, तो इसके कारण क्या होगा? श्रिंकेज के कारण उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, जिससे कि क्रैकिंग का वो कारण होगा। तो आपको मोटा मोटा ये जानना है कि जो पीरियड होता है वो 7 डेज होता है पोटेंशियली, देन इट इज दी ओवर ओवरप्लाई पार्टिकुलर अबाउट सीमेंट टाइप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो समझ लीजिएगा पूरा, जैसे मैं आपको बता दूं। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ Fe 415 bars इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो यहाँ पर Fe 415 के लिए दिया है, तो आपको ये जान लीजिए जो Fe है ये स्टील की ग्रेड है, यहाँ 415 दी है, तो आप तीनों के लिए जान ले। अब यहाँ 415 दी है, तो 415 के लिए जो राइट आंसर आपका है वो है आपका 0.48। अगर तो तीनों आपको मैं बता दूं तो इसका तो आंसर हो जाएगा B.48। अगर मान लीजिए 500 बोलता तो 0.46D हो जाता, और अगर 250 बोलता तो
0.53 D होता है। तो ये टेबल है, आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टील की ग्रेड दी हुई है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ Na, तो उसको एक्स यू मैक्स से नोट करते हैं। और वेयर डी, यहाँ पर जो डी है वो इफेक्टिव डेप्थ है, और इसका रेफरेंस है IS कोड 456/2000 पेज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस पे तीन क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तीनों आप जान लीजिएगा, किसी पूछ लेगा, जहाँ 415 जगह 250 कर देगा, 500 कर देगा, यानी स्टील का ग्रेड चेंज कर देगा। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ टू बे स्लैब द डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड ऑन, तो कह रहा है अगर टू बे स्लैब है तो जो डेप्थ ऑफ स्लैब है वो किस पे बेस्ड होगी, लॉन्ग स्पान पे होगी, मोस्टली लॉन्ग स्पान बट समटाइम्स शॉर्ट स्पान, शॉर्टर स्पान, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पान। तो टू बे स्लैब में भी वो किस पे डिपेंड करेगी, शॉर्टर स्पान पे। तो आप इसको देख लीजिए, फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शॉर्टर स्पान शुड बी कंसिडर, तो शॉर्टर स्पान को ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRCC बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एज, तो जो RCC बीम होती है उसमें मैंने आपको बताया है जो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट, चाहे वो कंप्रेशन में हो चाहे, तो कितना प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन डी 4%, बी डी का 4%। तो ये इसमें आपको मैं दिखा दूं, टेंशन रेनफोर्स में मिनिमम रेनफोर्समेंट, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्स शैल बी नॉट लेस देन दैट गिवन बाय फॉलोइंग, AST अपॉन BD बराबर 0.85 अपॉन FY। ये मिनिमम रेनफोर्समेंट है, टेंशन रेनफोर्समेंट, जहाँ AST जो है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है, बी ब्रेथ ऑफ दी वेब ऑफ टी बी में इफेक्टिव डेप्थ है, और FY जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी रेनफोर्समेंट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड, कितनी होनी चाहिए, 0.04 BD। तो वहाँ वहाँ कितना 4% लिखा है, और परसेंट को जब बदलेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0.04 BD। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोर स्टील NARCC स्लैब, तो जो RCC स्लैब है उसमें अगर टोर स्टील की बात करें या HIYD स्टील की बात करें, तो उसके लिए आप कौन सा कितना परसेंट यूज करेंगे, 0.12% ऑफ BD। और अगर यही कह देता कि यहाँ पर माइल्ड स्टील यूज की गई, तो वहाँ पर कितना आप यूज करते, 0.15% BD, ये वाला। तो आपको ये देखना है कौन सी स्टील कह रहा है, टोर कह रहा है, HYSD कह रहा है, ये चीज देखना है, इसको देख लीजिए आप। टोर स्टील बार आर कुल ट्विस्टेड डिफॉर्म और रिवेट बार, टोर स्टील इज HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोर स्टील इन RCC स्लैब 0.12% BD, एंड माइल्ड स्टील के लिए पॉइंट, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसमें आपको जानना है कि अगर टोर के लिए कह रहा है तो 0.12% ऑफ BD हो जाएगा, और अगर माइल्ड स्टील कह रहा है तो 0.15% BD। ठीक है, तो ये आपको जानना है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से 2-3 पार्ट में इसको ख़त्म कर दूंगा, और इसमें आपके काफ़ी SSC के जो क्वेश्चन आए हैं कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये 2007 का क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद 8 का क्वेश्चन आएगा, 9, 10, 11, 12, इसी तरह मैं अपलोड करूंगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक्स टू वॉच।